शहरों की आपाधापी, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, मानो हर कोई एक दूसरे से रेस लगा रहा हो, एक दूसरे से संघर्ष कर रहा हो। लेकिन संघर्ष के भी कई आयाम होते हैं। आइए चलते हैं इन शहरों से दूर, एक ऐसी जगह जहां आदमी सदियों से प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण छोर में स्थित सुंदरबन अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य और भरपूर वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। दस हजार वर्ग किलोमीटर में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। यहाँ के 54 द्वीपों में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सुंदरबन की लगभग सारी आबादी ही खेती किसानी में जुटी हुई है। साथ ही मछली पालन और मछली पकड़ना सुंदरबन के लोगों का मुख्य पेशा है। और यही पेशा उन्हें ले जाता है खतरों की गोद में। ये हैं सुंदरबन के मैंग्रोव के जंगल। यहाँ नदी का हर मोड़ रहस्य और रोमांच की अनुभूति कराता है। सुंदरबन के मछुआरों पर ज्यादातर बाघ के हमले इन्हीं जंगलों में होते हैं। नाव चलाने वाला ये नवयुवक बम्बोला इस बात को अच्छी तरह जानता है। कहीं दूर से आती बाघ की आवाज उसकी मौजूदगी का एहसास करा रही है। अब यहां से जल्दी निकलना ही ठीक है। सुंदरबन के तेज बहते पानी में मछली पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। बहुत से मछुआरे यहां पर छिपे सॉल्ट वाटर मगरमच्छों का भी निवाला बन जाते हैं। सुंदरबन के सतजलिया द्वीप के एक कोने में बसा है दयापुर गांव। आबादी करीब 10,000 की। दयापुर के लहलहाते खेत और खुला आसमान, आराम से घूमते ये बच्चे, है ना, ये बिल्कुल किसी आदर्श गांव जैसा। पर अफसोस ऐसा है नहीं। इस गांव की, बल्कि ये कहें कि पूरे सुंदरबन की हकीकत से रूबरू होने के लिए चलते हैं प्रशांत मंडल के पास। अपनी 32 साल की जिंदगी में प्रशांत ने वो देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2010 में आए चक्रवात आयला ने प्रशांत और उसके परिवार पर ऐसा कहर बरपाया कि वे आज तक संभल नहीं पाए हैं। आयला जो तबाही अपने साथ लाया वो आज भी उन्हें याद है।
चक्रवात आयला ने ऐसा कहर बरपाया कि अगले 2 साल तक पूरे सुंदरबन में कोई खेती नहीं हो पाई। घास का एक तिनका भी नहीं उग पाया यहां पर। 100 साल में पहली बार सुंदरबन के लोगों ने जाना कि लाचारी किसे कहते हैं और मजबूरी महज एक शब्द ही नहीं है। सुंदरबन की 50 लाख से ज्यादा आबादी की तरह प्रशांत मंडल ने भी इस कहर के दर्द को महसूस किया। 7 लोगों के उनके परिवार पर ऐसे काले बादल छाए जो आज तक छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और यही वजह है कि प्रशांत मंडल आज अपने पूरे परिवार के साथ खेतों में दिन रात काम करने को मजबूर है। वो घर वाला आदमी काम करेगा तब बचेगा, लेकिन किसान लगाएगा तो उसमें बचेगा नहीं। एक किसान का 300 रुपया का भाव है, लेकिन वो चावल का कितना होगा, 500 रुपया बोरी का आता है। तो एक बीघा में 9 बोरी आता है, तो 9 बोरी का कितना होगा, 4,500। तो उसका किसान लगता है वो टोटल में 12 किसान लग जाएगा। तो 12 किसान का 3×36,000 चला जाएगा, उसका दवाई आता है, तो हम लोग का नुकसान होता है, नहीं कुछ नहीं बचेगा। चक्रवात आयला अपने साथ लाया समुद्र के खारे पानी को। ये सुंदरबन के खेतों में ऐसा जा बसा कि आज तक निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मिट्टी में इस खारेपन की वजह से ही पूरे सुंदरबन में खेती की उपज 30-35% कम हो गई है। आयला होने को आगे जो चावल होता है उसमें ज़्यादा होता है, और उसका बाद कम होता है। कितना कम, वो 20 kg 2 बोरी का कम आने जाने का हो गया। वो पहले पैदा होता था 77 kg 1 बीघा में, अभी होता है 55। तो ये लोग वो तो हम लोग का समझ में नहीं आता है कैसा करके होता है क्या ना होता है। हम लोग का दवाई देता है, जो दवाई आगे लगाता है वही दवाई देता है, लेकिन होता नहीं है। प्रकृति की इस मार को प्रशांत का पूरा परिवार आज भी झेल रहा है। यही हाल सुंदरबन के दूसरे सभी खेतों का भी है। दिलकश नजारों के बीच लाचारी और बे इंतहा मजबूरी का ऐसा मेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। पर हैरानी की बात तो ये है कि इनके चेहरों पर वो दुख नहीं दिखता जो अक्सर शहर में लोगों से छिपाए नहीं छिपता। पशुपालन पर भी सुंदरबन के निवासी बहुत हद तक निर्भर हैं। साथ ही बत्तखों और मुर्गियों पर भी, लेकिन ये सब इनके अपने इस्तेमाल के लिए है, इनका वो व्यापार नहीं करते। राजेश शाह ऐसे शख्स हैं जो सुंदरबन से नजदीक से जुड़े हैं। यहाँ के लोगों की मानसिकता को वो बखूबी जानते हैं, जैसा कि वो बताते हैं। ये लोग जो है सर्वाइवर्स हैं, और विशेष तरह के सर्वाइवर्स हैं। कई जगह में ऐसा होता है कि टेरेन डिफिकल्ट है, क्रॉप्स कई जगह में होता है कि क्रॉप्स उगाना डिफिकल्ट है, पर यहाँ पे जीना ही डिफिकल्ट है। यहाँ पे सिर्फ जीना ही समझ ले दुष्कारी है। आपका पूरा जीवन जो है वो टाइड और टाइगर के इर्द गिर्द घूमता है। तो कब नदी में ज्वार आ रहा है और कब भाट आ रहा है, उस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कब काम पे जाना है, कैसे आप जाओगे, साइकिल लेके जाओगे नहीं जाओगे, पैदल जाओगे तो पानी नीचे होगा तो बोट पे नहीं चढ़ पाओगे, ये सारा चीज़ है। तो डिफ़िकल्ट है बहुत, लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये सर्वाइवर्स है और बहुत जुझारू है ये, तो और ये बहुत कर्मठ है।